मैं दोनों मासियों को निकाल रही हूँ, ठीक है ना? दोनों मासियों को निकाल दोगी? हाँ, कभी अपने बेटे के बारे में भी सोच लिया करें। इतनी जिम्मेदारियां उसके सर पे, अब बहन भी सर पे आके रहने लग गई है। हाँ ठीक है, मैं कर लूंगी अम्मी, बल्कि कोई और काम भी हो तो वो भी बता दीजिएगा, मैं कर लूंगी। मैं बस चाह रही थी कि शरोज का एडमिशन तराना के स्कूल में हो जाए। अभी तो समझाया मैंने तुम्हें कि ये नहीं हो सकता। हाँ कोशिश कर ले। अगर तुम 10 घरों के भी झाड़ू पोछे करोगी ना, तब भी फीस पूरी नहीं होगी। अब समझ आई? हाँ, मैं कह रही थी ये साल जाया हो जाएगा इसका, क्या करेगा फारिग बैठ के। अच्छा कोई और स्कूल पता कर ले अगर हो सके तो, क्योंकि पुराना वाला स्कूल बहुत दूर पड़ेगा हमें। अब ये हमारे घर के पास मदरसा है ना, और तुम्हारे बेटे ने तो कुरान भी नहीं पढ़ा। कितनी बुरी बात है, कुरान पढ़ाओ पहले उसको। बल्कि मैं जुनेद को बोलूंगी, कल जाके इसका एडमिशन करा देगा। ठीक है? हाँ ठीक है। अस्सलाम वालेकुम मैडम। आपको किसने अंदर आने दिया? मैम वो आपकी मेड ने। उठाओ सब कुछ, मुझे नहीं चाहिए। मैडम सामान तो देखिए बिल्कुल नया। हाय आप, मारिया मारिया, निकलिए आप यहां से। तुम भी ठीक घड़ी की सुई की तरह आते हो, पूरे 9 बजे। नाश्ता किया? काम की बात करो प्लीज, अगर काम नहीं है तो फिर मैं जाऊं। तुम ऐसे क्यों बात कर रहे हो? क्योंकि मैं रोज इस तरह आके तंग आ चुका हूं। प्लीज तुम्हें तो काम की फिक्र कोई नहीं है। जैसे तुम्हारी मर्जी। वैसे मैंने तुम्हें कहा था ना कि मैंने एक दो लोगों से माल की बात की है। He's here. बन के रहना हम नवा।